भारत की लेवरेज तो है ना सऊदी अरब का, मतलब दिस इज माय मतलब एक हाइपोथेसिस है कि दिस कुड बी अ पाकिस्तान को सऊदी अरब ने करारा तमाचा जड़ा है। तमाचा भी ऐसा कि उसकी गूंज इस्लामाबाद तक सुनाई दी। पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ ने सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के सामने कश्मीर का रोना रोया, मगर सऊदी अरब ने पाकिस्तान को नसीहत देते हुए अपना रुख साफ कर दिया। पाकिस्तान जो है वो दोस्त ममालिक के पास जाता है कि आके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि समझता है हमारे इनसे अच्छे ताल्लुकात हैं। लेकिन दोस्त ममालिक जब उठते हैं और डॉलर लेते हैं, अपने रियाल लेते हैं, पाउंड लेते हैं, तो वो जाके भारत में बैठ जाते हैं और वहाँ पे जाके इन्वेस्टमेंट कर एक ऐसी पोजिशन में खड़ा कर दिया इंडिया ने ला के कि हम वी कांट डू एनीथिंग। अब सऊदी अरेबिया के अंदर देखें, मैं तो इस चीज़ को देख के कानों को हाथ लगाता हूँ, देख के तोबा तोबा करता हूँ कि भाई वहाँ हो क्या रहा है। सबसे पहले तो आप सब ये बताएं नीचे कमेंट करें कि ये एडिटिंग जैसे नई तरीका चालू करा है, ये कैसा लग रहा है। ऑब्वियसली शायद अगर अच्छा लग रहा हो तो बहुत अच्छा लगेगा, अप्रिसिएशन मिलेगी हम लोग को। और उसके अलावा कैमरा अच्छा हो जाए, ऑडियो क्वालिटी अच्छी हो जाए, वीडियो क्वालिटी अच्छी हो जाए, इन सब की भी जो है वो जल्द से जल्द प्रयास करे जा रहे हैं। अब बहरहाल बात करें तो जो गिलगित बल्तिस्तान का इलाका है वहाँ पर पाकिस्तान बनाना चाहता था एक डैम, और उस डैम के लिए फंडिंग मांगने के लिए इनके वज़ीर आज़म जाते हैं सऊदी अरब, जहाँ पर फंडिंग की बात होती है, सब कुछ होती है, प्रस्ताव अपना रखते हैं, मगर सिरे से नकार दिया जाता है इनका प्रस्ताव। क्यों? क्योंकि वो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि गिलगित बल्तिस्तान या पीओके जो कि एक डिस्प्यूटेड लैंड है जिसमें इंडिया अपना क्लेम करता है, सब कुछ चलता है, वहाँ पर कुछ भी ऐसा हो और ये करके इंडिया की नज़रों में सऊदी अरब बुरा बन जाए। अब इसके बाद से इस तरीके से रिजेक्शन पाने के बाद बहुत ही ज़्यादा मातम जो है पूरे पाकिस्तान भर में मनाया ही जा रहा है। आमिर भाषा, ऑब्वियसली भारत को भी एतराज़ है, वो कहते हैं कि जी उनके बकौल ज़ाहिर है एक डिस्प्यूटेड एरिया से गुजरता है, ज़ाहिर है पाकिस्तान उसको कंटेस्ट करता है, तो सऊदी अरब के और आपको पता है कि भारत के भी बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, यू नेवर नो दिस कुड आल्सो बी द रीज़न कि सऊदी अरेबिया अवॉइड करना चाहता हो कि इस तरह का जो ऐसे एरियाज़ में जहाँ पर उनके भारत के साथ कोई मामलात ख़राब हों, क्योंकि देखें भारत की लेवरेज तो है ना सऊदी अरब का। मतलब मेरा ख्याल है कि इस किस्म की ऑफर्स करने से पहले हुकूमत पाकिस्तान को ये सारी चीज़ें वर्कआउट कर लेनी चाहिए थी, बजाय कि बाद में आपको शर्मिंदगी हो आप एक दोस्त। जबकि भारत इस डैम के निर्माण कार्य पर पहले ही आपत्ति जता चुका है। पैसों का अभी पूरा इंतजाम नहीं हुआ, यही वजह थी कि पिछले महीने सऊदी अरब को ये प्रोजेक्ट ऑफर किया है कि आप इसमें 1.2 अरब डॉलर की सरमायाकारी करें और मजीद को 2.3 अरब डॉलर का कर्ज अरेंज करें, हमें 3.5 अरब डॉलर की जरूरत है। तो प्रोबेबली लगता है ऐसे कि सऊदी अरेबिया ने इसमें कोई खास इंटरेस्ट शो नहीं किया, ये हमें पैसों की जरूरत है, अब हम हर किसी को पिच करेंगे जहां से हमें जो मिल जाए, हमारे पास ऑप्शन नहीं है। कि पाकिस्तान जो मईशत है, हमारी इकोनॉमी जो है वो बहुत ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टर के ऊपर डिपेंडेंट है, लेकिन इंडिया के अंदर इंडिया ने इतने बड़े बड़े इन्वेस्टर्स भी बनाए हैं जो अब इंडिया के कहने के ऊपर दूसरों मुल्कों में जाके इन्वेस्टमेंट करते हैं। आप अदानी की बात लें, आप अंबानी की बात लें, अब जिंदल्स, मित्तल्स, टाटास, ये सारे जितने लोग हैं, ये सिर्फ ये नहीं है कि इंडियन हुकूमत बाहर वालों को आ कहती है यहाँ पे इन्वेस्ट करो, ये भी अपने लोगों को कहते हैं कि पाकिस्तान को सऊदी अरब ने करारा तमाचा जड़ा है। तमाचा भी ऐसा कि उसकी गूंज इस्लामाबाद तक सुनाई दी। पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ ने सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के सामने कश्मीर का रोना रोया, मगर सऊदी अरब ने पाकिस्तान को नसीहत देते हुए अपना रुख साफ कर दिया। मसले कश्मीर पर बात करते हुए दोनों रहनुमाओं ने मसले के पुरान हल के लिए पाक भारत मुज़ाकरात की जरूरत और अहमियत पर जोर दिया। इतना तेजी से भारत की पोजीशन मजबूत हुई है, अब भारत किसी को भी नहीं सुनेगा। कश्मीर के मुद्दे पर सऊदी प्रिंस के सामने गिड़गिड़ाने वाले पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को करारा झटका लगा। शहबाज शरीफ बड़ी उम्मीद और हसरत लेकर गए थे, लेकिन सऊदी ने कश्मीर को लेकर पाकिस्तान को आईना दिखा दिया। शहबाज शरीफ ने सऊदी क्राउन प्रिंस से कश्मीर को लेकर भारत पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता की भीख मांगी, मगर उनका कटोरा खाली रह गया। देखो, भारत और पाकिस्तान को बातचीत के जरिए सुलझाना होगा। सऊदी के इस रुख से साफ हो चुका है कि मुस्लिम देशों के बीच अब पाकिस्तान की हैसियत क्या रह गई है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जो मिडल ईस्ट के साथ जो ताल्लुकात को हमवार किया पिछले 8-10 सालों में, पर्टिकुलरली 5 सालों में, उसमें जारी बात है पाकिस्तान की वो जो स्पेस थी वो कम हो गई। कश्मीर मुद्दे पर मुंह की खाने वाले शहबाज शरीफ की सऊदी यात्रा को लेकर पाकिस्तानी ही मजाक उड़ाने लगे हैं।
क्योंकि शहबाज शरीफ भले ही उमरा के बहाने सऊदी गए हों, लेकिन उनका असल मकसद तो पाकिस्तान के लिए रुपए मांगना ही था। भिखारियों का इसलिए कहा जा रहा है कि आपको पता है कि वो जाहिर है कि पैसा लेने गए हैं, कर्जा मांगने गए हैं। ऐसे तो गए, वो बताया उन्होंने ऐसा नहीं है, लेकिन जाहिर है कि ये भी चीजें बीच में चलती हैं। डेटा देखा तो हमें ये पता चला कि पाकिस्तान के जुम्मे तकरीबन इस वक्त 130 अरब डॉलर का कर्जा है। इस 130 अरब में से 100 अरब डॉलर जो है वो हमने कर्जे वापस करने या बाहर से चीज़ें खरीदने के लिए लिया हुआ है। इन कर्जों से अल्लाह के फजल से कोई ख़ास ऐसा प्रोजेक्ट नहीं लगा हुआ जिससे हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़े। अमरीका भी हर रोज़ तकरीबन चाइना से कर्जा लेता है, बहुत सारे और ममालिक, हिंदुस्तान भी कर्जा लेता है। दुनिया में ममालिक कर्जा लेते हैं और उस कर्जे से ऐसे प्रोजेक्ट लगाते हैं कि उससे फिर वो पैसा जनरेट करते हैं, जो प्रॉफिट होता है उससे सूद भी देते हैं, असल भी देते हैं और मुनाफा अपने पास रखते हैं। हमने तो अल्लाह के करम से कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं लगाया जिससे हम ये कर्जे वापस कर सकें, बल्कि हमारा तो कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं कि असल रकम छोड़ दे, हम सूद भी वापस नहीं कर सकते। पाकिस्तान के लिए जो सऊदी अरेबिया का जो कल्चर था वो बड़ा एक रोल मॉडल की हैसियत रखता था। ठीक है उसमें ठीक है शरीयत नाफिज है, पाकिस्तान में वो शरीयत नाफिज नहीं है, लेकिन उसी को पासदारी करते हुए क्योंकि उस वो एग्जाम्पल थी बहुत से मुस्लिम ममालिक के लिए। ठीक है लेकिन वो जो कल्चर था, वो जो रवायत थी, वो दम तोड़ती मुझे नजर आ रही है। वहाँ आप देखो, पाकिस्तान की मिसाल भी इसमें दूंगा, पहले पाकिस्तान में कभी किसी ने देखा था भाई? देखा था आपने कोई औरतें मोटरसाइकिल चला रही हैं? नहीं, आप चलाती हैं? आप चलाती हैं ना। सऊदी अरेबिया के अंदर आपने जो सवाल उठाया कि सऊदी अरेबिया के अंदर पहले ड्राइविंग नहीं थी औरतें करती, अब वो ड्राइविंग लाइसेंस इशू हो रहे हैं। ठीक है, जो एडवांस दौर है उसको मुताबिक आप फॉलो कर रहे हैं, डालने की कोशिश कर रहे हैं। वो ऐसा ऐसा नहीं है, बल्कि वो एक जवाल की तरफ जा रहा है। रिसेंटली आप मुझे ये देख लें कि कहते हैं ना, किसी कल्चर को तबाह करना हो तो उस जैसे मुस्लिम कल्चर है उसको तबाह करना हो तो उस वहाँ जो यूरोपियन कल्चर है वो ले आओ। आपने भी पैंट शर्ट पहनी है, मैंने भी पैंट शर्ट पहनी है, ये तो ये भी हमारा ड्रेस नहीं है, मोबाइल यूज कर रहे हैं, ये भी जो उनसे वो कल्चर, यानी ये मुझे ये बता दें कि जो दूसरे कपड़े और दूसरे ये वो चीजें इस्लाम को भी इजाजत देते हैं। इस्लाम तो ये भी कहता है कि भाई औरत को जो है ना, अहदीस में मौजूद है कि अहदीस में मौजूद है कि ये भी एक अहदीस है कि अपने चेहरे का हिस्सा जो है ना ओढ़े, एक चादर का एक हिस्सा ओढ़े रखे, अहदीस में मौजूद है। अच्छा, अब आपको क्या लगता है सऊदीया तबाही की तरफ चल पड़ा? तबाही की तरफ तबाह हो जाएगा? यह इशारा कर रही हैं कि जो पाकिस्तान है उसने पूरी कोशिश करी, पूरी जान झोंक दी कि आखिरकार सऊदी अरब से फंडिंग आ जाए। ये पिछले 3-4 सालों से अगर आप देख रहे हैं, नोटिस कर रहे हो, तो आपने देखा होगा कि सऊदी अरब का जो अपना एक सिस्टम है पूरे इस्लामिक लॉ में होता है ज़कात का, तो ये लोग सऊदी अरब वाले एक अपना प्रॉपर सर्टेन अमाउंट ऑफ फंड जो था, जो कि मिलियंस ऑफ डॉलर में होता था, वो हर साल पाकिस्तान को देते थे। एक्चुअली जो पहले आ जाए उसको देते थे, लेकिन पाकिस्तान ही हर बार पहले पहुँच जाता था, खासतौर पर रमज़ान के महीने में। तो मिलता रहा, फिर धीरे धीरे इमरान खान के टाइम पर जो पैसा मिलता था वो पैसे से चावल की बोरियों पर आए, चावल की बोरियों से आखिरकार जो है वो कुछ नहीं, खाली ठेंगा दिखा करके सऊदी अरब ने उनको वापस करना चालू कर दिया, वहाँ तक भी हालात आ गए। अब बात करें जैसे जैसे और आगे स्थितियाँ चली, इनके वादे करते रहे। MBS ने पिछले 2-2.5 सालों में कोई दौरा नहीं किया, इनके यहाँ किया, हम अब आएंगे, तब आएंगे, अब आ रहे हैं, जाते जाते इंडिया से ही आके दिल्ली से वापस निकल गए। इस्लामाबाद में फ़्लाइट रुकी ही नहीं, अरे काम आ गया, बहुत ज़रूरी काम आ गया, कुछ भी बहानेबाजी करके निकल गए। ये खुद मिलने गए इनके वज़ीर आज़म साहब, तो वहाँ पर भाव नहीं मिला। ये इनके अलग अलग विदेश मंत्री से लेकर सबको, तो आर्मी चीफ तक चले जाते हैं, तब भी कुछ खास भाव नहीं मिल रहा, भगा दिए जा रहे हैं कि अरे हटाओ, कोई इंटरेस्ट ही नहीं है पाकिस्तान में कोई इन्वेस्टमेंट करने में। अब इन्होंने ये किया क्योंकि पाकिस्तान में पानी की बहुत ज़्यादा आजकल कमी हो रही है। आज से 1.5 साल पहले एक बहुत बड़ा फ्लड आया था, उसमें इनके बहुत सारे डैम्स जो थे, छोटे छोटे बैराज और डैम्स टूट गए थे, उनको दोबारा डेवलप नहीं कर पाया, तो ये अलग अलग कुछ तो बनाना ही था। तो इन्होंने सोचा कि एक बड़ा डैम बनाते हैं गिलगित बल्तिस्तान रीजन में, वो चीज़ के लिए लोग फंड मांगने गए थे, वो चीज़ भी नहीं हो पाई। तो हर तरफ से निराशा ही सिर्फ और सिर्फ हाथ लग रही है और कुछ भी इनको समझ में नहीं आ रहा। अब आगे देखते हैं क्या होता है। तो स्टैंड क्लियर कर लिया सऊदी ने, सऊदी हो, UAE हो, जितने भी तगड़े देश हैं इस्लामिक वर्ल्ड में, सब जो है वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जम्मू कश्मीर के अंदर।